अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में बाढ़ अनुमंडल के होटल मालिकों एवं प्रशासन के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध संबंधों तथा प्रोस्टिट्यूशन को लेकर सभी होटल मालिकों को यह नसीहत दी गई कि किसी भी होटल में प्रोस्टिट्यूशन से संबंधित कार्य कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इस उद्देश्य से आने वाले लोगों की पहचान करें और प्रशासन को तुरंत सूचित करें ताकि प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने होटल मालिकों को यह भी कहा कि होटल में रूम प्रोवाइड करने से पहले उसका परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड या आधार कार्ड के साथ एक और आईडी प्रूफ की जांच कर ले ताकि प्रोस्टिट्यूशन जैसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। तो यार जितने भी होटल जो हमारे यहाँ मालिक हैं जो बाढ़ अनुमंडल में ही, क्योंकि बाढ़ अनुमंडल से ज़्यादा होटल जो है बाढ़ ही में ही है, हमने पता किया तो बख्तियारपुर मोकामा में इतना नहीं है, तो जितने भी होटल संचालक थे उनको बुलाया गया था, तो उनको जो हमारा इमोलन ट्रैफिक एक्ट है और जो एक्साइज एक्ट है बिहार सरकार का, उनके अंदर उनको अवगत कराया गया, उनको बताया गया कि अगर कुछ भी प्रकार का अगर अवैध मादक पदार्थ या शराब या फिर उसके अलावा इस तरीके का प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति की अगर कोई रेड करते वक्त हमको सूचना मिलने के पश्चात कुछ हमें मिलता है पाया जाता है, तो उसमें जो सेक्शन 18 है इमोरल ट्रैफिक एक्ट का, उसके अंतर्गत जो है वो अटैचमेंट हो जाता है प्रॉपर्टी का, और एक्साइज एक्ट के अंदर भी अटैचमेंट का है, और साथ साथ में उसमें कठोर कारावास की भी उसमें जो है वो प्रोविज़न है। तो इन सभी को बताया गया है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति आपको लगे तो उनको आप होटल का कमरा ना दें और उसको इमिडिएटली जो है थाना को आप सूचित करें। उसके पश्चात अपना एक एसोसिएशन बना के होटल का, वो अपना आपस में एक संकल्प ले लें कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है अगर जो नाबालिग है उसका प्रॉपर आईडी वेरिफिकेशन करवाएंगे, उनका प्रॉपर जो है बकायदा जो भी है ओरिजिनल आईडी जो है उसको वो अपने पास रखेंगे जब तक कि वो चेकआउट नहीं करते हैं। तीसरा, कोई भी अगर उनको लगे किसी भी प्रकार की इस तरीके की हरकत अगर हो रही है तो इमिडिएटली वो थाना को सूचित करेंगे।